The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Cough ke liye kaun kaun si dawa? Khansi. Khansi ki dawaon mein aapke paas kya kya option hai? Sabse pehle aapko ye samajhna zaruri hai ki khansi ko actually mein zyadatar cases mein koi treatment nahi lagta. Right? Exactly. Khansi. Right? Zyadatar cases mein, most of the time we don't need to treat cough. Right? अगर वो कफ अगर वो खांसी किसी सर्दी के वजह से है, फ्लू के वजह से है, कोल्ड के वजह से है, वायरल इन्फेक्शन के वजह से है, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी अगले एक से दो हफ्ते में. खांसी की दवा इस्तेमाल की जा सकती है अगर खांसी बहुत ही ज़्यादा आ रही है, जितने में इंसान को एक्चुअली अपने दिन भर के काम करने में मुश्किल हो रही है, अपना काम नहीं कर पा रहे हो. अब आप एग्जाम है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप खेल नहीं पा रहे, आप ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे, इतनी खांसी है तो खांसी की दवा दी जाती है, वरना नहीं. राइट और एक्चुअली ज्यादातर जो खांसी की दवाएं होती हैं वो आपके सिम्टम्स दबा देती हैं, खत्म नहीं करती. सो इसीलिए खांसी की दवाएं आपको बिल्कुल खुद से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. फिर भी आपको बता देते हैं कि खांसी की दवाएं हैं क्या, होती क्या है. जैसे अगर मान लीजिए कुछ प्रकार की, और एक बात, अगर कुछ प्रकार की खांसी की दवाएं ऐसी होती है जो कि आपके लंग्स को क्लियर रखने में काम करती है ताकि वो ब्रीद कर सके, तो अगर आपकी खांसी किसी क्रोनिक कंडीशन के वजह से, जैसे कि स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, अगर कोई लंग में क्रोनिक, लंग की जो पाइपलाइंस हैं और जो वो मोटी मोटी और टाढ़ी टेढ़ी हो गई है, एम्फाइसीमा हो गया है, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो फिर आपको खांसी की ये दवाएं काम करेंगी. राइट तो पॉइंट इज कि आपको देखना है, अगर कोल्ड फ्लू कफ से है तो फिर वो कोल्ड फ्लू कफ में नहीं खानी होती दवा. अब देखिए दवाएं के क्या क्या प्रकार से आती हैं. दवाएं जो ओवर द काउंटर मेडिसिन आती हैं, जो ओवर द काउंटर भी आती हैं, जो नहीं भी आती हैं, उसमें बेसिकली आपके पास में कई प्रकार की होती हैं. पांच प्रकार की तो आप मान सकते हो. ठीक है, पांच प्रकार की दवाओं में सबसे पहले होता है नेजल डिकंजेस्टेंट. डिकंजेस्टेंट का मतलब जो अगर नाक बंद है, क्लॉग्ड है, स्टफ्ड है, तो उसे क्लियर करेगा, नेजल डिकंजेस्टन. दूसरे टाइप के होते हैं कफ सप्रेसेंट. कफ सप्रेसेंट मतलब एक्चुअल खांसी को सेंट्रली कफ सप्रेस करते हैं. तीसरे होते हैं एक्सपेक्टोरेंट. एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो कफ म्यूकस जो आता है, बलगम जो आती है, उसको लूज करते हैं ताकि वो बाहर आ जाए आसानी से. चौथे होते हैं एंटीहिस्टामिन्स. एंटीहिस्टामिन मतलब जो घबाघप नाक बहते जा रही है, छींके आती जा रही है, उस एलर्जिक रिस्पॉन्स को दबा दें, उसे कम करें, एंटीहिस्टामिन्स. राइट फॉर स्टॉपिंग रनिंग नोज एंड स्नीजिंग. फिर पांचवे टाइप के मेडिसिन होते हैं जो फीवर, हेडेक और माइनर इचिंग पेन्स, दर्द के लिए होते हैं, वो पेन किलर, पेन रिलीवर्स होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं. सो ये पांच प्रकार के आपके मेडिसिन. इसके साथ लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि मेन ट्रीटमेंट ये नहीं है. मेन ट्रीटमेंट आपका है अ लॉट ऑफ फ्लूइड, पानी, बहुत सारा पानी, बहुत सारा रेस्ट, ये मेन ट्रीटमेंट है अगर आपका कफ जो है फ्लू के वजह से है. अगर फ्लू है तो अलग चीज है. राइट और इन्फेक्शन है, बुखार है, दिक्कत है, तो अलग चीज है. आप अपने मन से कोई भी दवा नहीं खाएंगे. एस्पिरिन तो कतई भी नहीं खाएंगे. एस्पिरिन, डिस्पिरिन में ब्लड थिनर होता है जो पेन के लिए दिया जाता है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है. राइट रिमेंबर, उससे ब्लड थिन होता है, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. राइट एग्जाम्पल्स मैं नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ. ए कफ सप्रेसेंट यानी एंटीट्यूसिव का एग्जाम्पल होता है डेक्स्ट्रोमिथोरफैन. ये डेक्स्ट्रोमिथोरफैन जो है ये थोड़ा सा एडिक्टिव सा है. एडिक्टिव मतलब पहले के जमाने में लोग कफ सिरप पीते थे नशे के लिए. जी हाँ, इससे थोड़ा नशा चढ़ जाता है डेक्स्ट्रोमिथोरफैन से, इसीलिए इसको ज्यादा नहीं पीना चाहिए. बल्कि ये बात आती है कि जब ये इसको लेते हैं
बहुत ही कंट्रोल सब्सटेंस है। अगर इसको बहुत ज्यादा पिएंगे, खासकर लोग नशे के लिए पीना शुरू कर देते कि मजा आता है, तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए कफ सप्रेसेंट खुद से तो कभी नहीं लेना चाहिए, राइट? सप्रेसेंट, डेक्सट्रोमिथोरफैन, ये याद रखिए। एक्सपेक्टोरेंट ले सकते हैं, अगर बलगम ज्यादा है, निकल नहीं रही, तो एक्सपेक्टोरेंट का नाम है जो होता है गुआइफेनेसिन करके नाम है, राइट? GUAIFENESIN, राइट? दैट इज अ एक्सपेक्टोरेंट, उसको ले सकते हैं। लेकिन कई बार कॉम्बिनेशन में आती है दवा, लेकिन उससे भी फिर नींद आती है, नशा चढ़ता है वो जोरदार। एंटी हिस्टामिन से भी नींद आती है, उससे भी एक साइड इफेक्ट होता है। सो यहां पर बात हो रही है कि कफ सप्रेसेंट और इस दोनों में जो चीज आप ट्राई करोगे, वो भी कब करोगे? जब खांसी बहुत हो रही है तब, राइट? उसके बाद में याद रखिए, कफ के साथ डेक्स्ट्रोमेथोरफैन, ग्वानिफेसिन समटाइम्स कंबाइन करके इसके साथ एंटी हिस्टामिन, इसके साथ कुछ नेचुरल हनी जैसे प्रोडक्ट्स डाल के मल्टी कफ सिरप बना दिया जाता है, साथ में एंटी हिस्टामिन कोल्ड का भी बना दिया जाता है। तो ऐसी चीजें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे चल जाएगा, लेकिन आप खुद से नहीं लेंगे। खास करके अगर हम सेफ्टी की बात करें, तो ये बच्चों के रीच से बहुत दूर रखें, बच्चों के लिए ये सेफ नहीं है। छोटे बच्चे, यंग चिल्ड्रन, उनके लिए ना रखें इसको। अच्छे से कोल्ड, ठंडी, ड्राई जगह पे रखें, फ्रिज में रखें, फ्रिज रेफ्रिजरेटर के ऊपर में रखें, एकदम जहां पर भी आप छुपा के रख सकें। क्योंकि ये उनके हाथ में आ गया, उनको पी लिया, उनको नशा से चढ़ गया, वो अच्छी बात नहीं होती है, राइट? दैट इज रॉन्ग। और दूसरी चीज जो याद रखें, हमेशा अगर आपको फीवर हो रहा है, अगर आपको सांस फूलने लगा, सांस चढ़ने लगा, अगर आपको खांसी इतनी आ रही है कि कोई काम ही नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, या अगर सांस लेने से भी आवाज आ रही है, वीजिंग, हु, सीटी जैसी आवाज आ रही है, तो ऐसे केस में आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे ऐसे में, राइट? याद रखिए। अब अगर बात करें बच्चों के केस में, छोटे बच्चों में आप क्या करेंगे, राइट? सी, बहुत जरूरी चीज है, अगर तो बच्चा बच्चा छोटा है, अगर 4 साल से छोटा है, तो 4 साल से छोटे बच्चे के लिए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके ही दिखाएं, और कुछ नहीं करना चाहिए। अगर दवा की बात करें तो होम रेमेडीज भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले दवा की बात करते हैं। दवा खुद से नहीं देंगे आप। 4 से 6 साल की उम्र में खांसी की दवा दी जाती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, और 6 साल के ऊपर आप उस केस में जो दवा लेना, खांसी की मेडिसिन, ये जो दवाएं मैं कह रहा हूँ, ये लेना एक तरीके से सेफ बोला जाता है 6 साल के ऊपर। लेकिन उसमें भी आप उस दवा पे लिखा गया इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। कई दवाओं पे लिखा होता है इतना लेना है, इतनी उम्र के लिए इतना लेना है, उस पे फाइल करेंगे। बेस्ट ऑप्शन तो हमेशा डॉक्टर से पूछने वाला होता है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज की। तो बहुत सारी दुनिया भर की होम रेमेडीज है जो काम करती हैं, जो अच्छी हैं, जो सही भी हैं। सो क्या है खांसी की होम रेमेडी? सबसे पहले तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, जो खांसी के दवाइयों में, तो आप पूछ सकते हैं, राइट?